बढ़िया हो सब। तो लास्ट क्लास में हमने कुछ 100 के नज़दीकी संख्याओं के गुणा करना सीखा था, और लास्ट में जाते जाते मैंने एक मिनट के अंदर आपको बताया था कि 50 के आसपास जितनी भी संख्याएं हैं उनका वर्ग कैसे करते हैं, वो पूरा तरीके से बता नहीं पाया। तो आज मैं आपको उसका पूरा एक सेटल सही तरीके से समझाता हूँ, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा कुछ स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न था कि 50 के आसपास की संख्याओं में 25 कैसे लिया जाता है, कुछ क्वेश्चन था। चलो आज उसको उस क्वेश्चन को भी क्लियर करते हैं और आगे भी पढ़ते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले आपने वो करना है कि 50 के नज़दीक संख्याओं का वर्ग, 50 के नज़दीक जितनी भी संख्याएं हैं उनका वर्ग करना है। तो सबसे पहले करना है 50 से कम वाली संख्या, सबसे पहले 50 से कम वाली संख्या लेनी है, और 50 से कम वाली संख्या लेनी है जैसे लाइक 48 का स्क्वायर, 48 का स्क्वायर लेना है, इससे दिखेगा नहीं तो इससे लिखते हैं अपन। 48 का स्क्वायर लेना है तो अपने को सिर्फ और सिर्फ दो ही काम करने हैं, एक तो लिखना है 50 से कम, कितना है 50 से कम, 2, तो दूसरे में लिखना है 25-2 बराबर, जो भी 50 से कम आ रहा है वो 25 से घटाएंगे। क्यों घटाएंगे ये समझिएगा, जब भी 50 की संख्या का वर्ग लेंगे तो 25 को आधार मानेंगे, आधार किसको मानेंगे, 25 को, 50 से कम होगा तो 25 में से घटाएंगे, और अगर 50 से ऊपर की संख्या का स्क्वायर करेंगे तो 25 में जोड़ेंगे, 25-2 बराबर 23। अब देखिएगा, जो 50 से कम आया है हमेशा इसका वर्ग करेंगे, और वर्ग करने के बाद एक अंक नहीं दो अंक लिखेंगे, कितने अंक लिखेंगे, दो अंक, दो का स्क्वायर 4, 4 दो अंक नहीं बन रहे तो ये लो दो अंक बन गए अपने, हो गया। तो देखिएगा इसको लिखा कैसे जाएगा, 04 पहले और नीचे वाला बाद में, 23-04 अपना हो गया, 04 पहले आ गया इकाई की तरफ से और बाद में आ गया 23, इट मीन्स 2304 48 का स्क्वायर होगा। चलो कुछ और देखते हैं, एक दो अंक और देखते हैं, मैंने लिखा 42 का स्क्वायर, देखिएगा इसके लिए 50 से कम कितना है, 8, तो वही काम करना है, 25-8 क्यों किया फिर सुन लेना, 50 के लिए कोई भी अगर 50 की संख्या के आसपास का स्क्वायर करेंगे तो अपने को 25 को आधार मान के काम करना है, 25 को आधार इसलिए मानना है कि 25 अगर 50 से ज़्यादा होगा तो 25 में प्लस करेंगे, 50 से अगर कम होगा तो 25 से माइनस करेंगे, 25-8 17, तो देखिएगा 8 का तो स्क्वायर करना है 64, तो 42 का स्क्वायर बराबर 64 तो आगे और 17 को लिखेंगे एक साथ पीछे, 1764 हो गया 25 का स्क्वायर, सॉरी 42 का स्क्वायर, और संख्याएं देखते हैं, 38 का स्क्वायर, थोड़ा सा और पीछे चलते हैं, 38 का स्क्वायर तो इसके लिए 50 से कम, 50 से कम हो गया 12, 25-12 बराबर 13, सबसे पहले 12 का स्क्वायर 144, 12 का स्क्वायर 144, अपने को तो अब तक दो अंक मिलते थे, दो अंक लिख देते थे, अब अंक मिले हैं 3, जब 3 अंक मिल जाएं तो इकाई और दहाई के दोनों अंक तो लिख लेने हैं, यहाँ लिखते हैं, ये लो जी 44, एक जो बचा है उसको हाथ से जोड़ देंगे, 13 में एक जोड़ा जाएगा तो 14-44, ये आंसर होगा अपना 1444, जो भी हासिल होगा बचेगा दो अंक के बाद में, जो भी बचेगा उसको हासिल के रूप में ले जाएंगे अगले अंक तक, और जहां भी होगा वहां जोड़ दिया जाएगा। चलो ये हो गया अपना 50 से कम के लिए स्क्वायर, चलो 50 से ज़्यादा के लिए भी देखते हैं, ऐसे कुछ 50 से ज़्यादा के लिए देखना है तो मैंने लिखा सबसे पहले 52 का स्क्वायर, सबसे पहले 52 का स्क्वायर लिखा है, 52 के स्क्वायर के लिए वही देखना है, अब तक 50 से कम देखते थे, अब 50 से
ज़्यादा देखना है, 50 से ज़्यादा कितना है, 52, दो तो 25 प्लस दो, 50 से कम था तो 25 माइनस दो कर रहे थे, और 50 से ज़्यादा है तो 25 प्लस दो, 25 प्लस दो 27, दो का वर्ग, दो का वर्ग, दो अंक लेने हैं 04, तो 52 का स्क्वायर इज इक्वल टू 27 04, यही आपका आंसर होगा 27 04। चलो और देखते हैं, 57 का स्क्वायर, 50 से ज़्यादा कितना है, 7, और 25 प्लस 7, 25 में 7 जोड़ा जाए तो 32, ये बंद हो गया, 7 का स्क्वायर 49, तो देखिएगा 57 का स्क्वायर इक्वल टू 32 49, स्क्वायर जब करना था हमें, 52 का स्क्वायर जब करना था तो 50 से कितना ज़्यादा है, सबसे पहले ये देखा हमने, कितना ज़्यादा था, 2 ज़्यादा था, इट मीन्स जो भी दो नंबर मिला उसका स्क्वायर करेंगे, जो भी दो मिला उसका स्क्वायर, और सिंगल डिजिट पे नहीं डबल डिजिट पे। ऐसे ही जब भी 50 से ज़्यादा नंबर देखा जाएगा तो 50 से कितना ज़्यादा है वो तो देखा ही, जितना ज़्यादा था वही 25 से ऐड भी किया जाएगा, वहीं 25 में ऐड भी किया जाएगा, कितना हुआ 27। एक मिनट के लिए मैं एक साइड में क्वेश्चन लिखता हूँ, मैंने लिखा था 44 का स्क्वायर, ये इसके लिए क्या है, 50 से कम, 50 से, अब देखो 52 था तो 50 से ज़्यादा लिखा, 44 है तो 50 से कम है, मैंने 50 से कम कितना लिखा है, 6 कम है, जितना 50 से कम था वो लिख दिया, 52 के लिए 50 से जितना ज़्यादा था वो लिखा, ज़्यादा था उसका वर्ग किया, इसका भी मुझे वर्ग करना है, 6 का स्क्वायर 36। अब देखिएगा 25 में 50 से ज़्यादा है तो 25 में जोड़ा है, 50 से कम है तो 25 में से कितना कम है, 6 कम है, वो घटाएंगे, 25 में से 6 जाएगा 19, तो 44 का स्क्वायर 19 36, दोनों को मिला के लिखेंगे, और यहाँ पे 50 से कितना ज़्यादा था, 2 ज़्यादा, तो 2 का स्क्वायर 04, 4 हो गया। अब 25 में अगर ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, तो 2 ऐड करेंगे, 25 और 2 27, तो हो गया मेरा 27 04, दोनों तरह से यही क्वेश्चन थे मेरे पास, हो गया। तो 50 के आसपास जितने भी नंबर होंगे 50 से ज़्यादा होंगे प्लस करेंगे, 50 से ज़्यादा होंगे माइनस, और सॉरी 50 से कम होंगे माइनस करेंगे। चलो एक लास्ट क्वेश्चन जो हमें करना है उसको करते हैं, और उसके बाद आज की इस क्लास को ख़त्म करते हैं, इसके अलावा जो नेक्स्ट पार्ट करना है वो देखते हैं। मैंने लिखा 62 का स्क्वायर, सबसे पहले 50 से ज़्यादा देखना है, 50 से ज़्यादा है तो कितना है, 12, कितना है 12, अब 25 प्लस 12 कर लो, जितना भी ज़्यादा था हमेशा ज़्यादा में जोड़ना है, 25 प्लस 12 37, 25 में 12 जोड़ेंगे 37, अब सबसे पहले 12 का वर्ग करना है, 12 का स्क्वायर 144, तो देखिएगा 62 का स्क्वायर इज इक्वल टू लास्ट के दो डिजिट 44, और जो एक बचा है इसको हासिल के रूप में यहाँ ले आएंगे, 7 में एक जोड़ा जाएगा 8, सेम वही काम हमने कम में किया था, सेम वही काम हम ज़्यादा में कर रहे हैं। आज का पहला जो ट्रिक था वो यही था कि 50 के आसपास कम हो या ज़्यादा हो उनका स्क्वायर करने के लिए शॉर्टकट मेथड कौन सा इस्तेमाल होगा। आज का क्वेश्चन अपना जो भी, अगर किसी को लग रहा था कि 25 क्यों इस्तेमाल लिया, फिर बताता हूँ, 25 हमने बेस माना है, अगर 50 से ज़्यादा है तो 25 में जोड़ा है, 50 से कम है तो 25 में से घटाया है, 25 को बेस माना है। शॉर्ट ट्रिक के लिए एक बेस आधार किसी को नंबर को मानना होता है, तो हमने इसमें 25 को आधार माना है, 25 इसलिए लिया है, वरना 25 का कोई ऐसा नहीं है कि आपको कोई एक नियम है, बट 25 नियम इसलिए बना दें कि आधार मानने से आपकी ट्रिक बन जाती है, ठीक है। तो आज के लिए यही है,